आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी की सियासत ने एक बार फिर करवट बदला और कांग्रेस ने शुरू किया एक नया ड्रामा। भिवंडी कांग्रेस के तकरीबन 35 कॉरपोरेटरों ने भिवंडी से बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये ऐलान किया कि अगर सुरेश टावरे की टिकट को वापस लेकर बालिया मामा को नहीं दिया गया तो हम सब एक साथ इस्तीफा दे देंगे। तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे, 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 मगर ये नहीं बताया कि पार्टी से या नगर सेवक पद से। अलबत्ता ये जरूर देखने को मिला है कि जो लोग कुछ रोज पहले सुरेश टावरे की जय जयकार करते नजर आए वही आज उनकी टिकट काटने की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर भिवंडी में बीजेपी को हराना है तो एक ही उम्मीदवार हरा सकता है और वो है बालिया मामा, जबकि बालिया मामा आज तक कांग्रेस में शामिल ही नहीं हुए। आवाम का ये कहना है कि अगर भिवंडी से बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है तो बालिया मामा को टिकट मिलना ही चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ऐसा ही था तो जिस रोज़ टिकट फाइनल हुआ था उसी रोज़ इस बात को उठाना चाहिए था। आज इतने दिन के बाद इस मामले को तोल देना लोगों की समझ से बाहर है। बहरहाल इस मामले में और रोशनी डालते हुए मेयर जावेद दलवी साहब ने कहा है कि ये कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं है और ना ही मेयर का इलेक्शन है, ये सेंट्रल का मामला है और इस पर गौर व खौस वही लोग कर सकते हैं। और मजीद बताते हुए उन्होंने ये कहा है कि सुरेश टावरे का नाम तो सभी कांग्रेसी नगर सेवक ने ठहराव पास करके भेजा था, इसके बाद फिर इस तरह की हरकत से कांग्रेस बदनाम हो रही है और पार्टी की अच्छी छवि पर दाग लग रहा है, जबकि पार्टी का फैसला हो चुका है तो उसे सबको कबूल करना चाहिए और पार्टी के उम्मीदवार सुरेश टावरे ही रहेंगे और तमाम नगर सेवक भी उनके साथ रहेंगे, ऐसा मेयर जावेद दलवी साहब का दावा है। मगर इस पूरे मामले में शोएब गुड्डू का कहीं से कोई बयान नहीं आया, जबकि हमने आम जनता की राय जानने की कोशिश की तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि बालिया मामा को टिकट मिलना चाहिए। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में सच्चाई की जीत होती है या झूठे की वाहवाही। अगर बालिया मामा को टिकट नहीं मिला तो इमरान वली मोहम्मद इस्तीफा देंगे या मोदी की तरह फेंकू बन जाएंगे।